अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं और उस दान करने का तरीका क्या है। देखिए, वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति आपकी हमेशा उत्तम रहती है, हमेशा बढ़िया रहती है। अगर आप पैतृक धन प्राप्त करना चाहते हैं, विरासत का धन चाहते हैं, तो मोटे वस्त्र किसी निर्धन आदमी को दान करते रहें। अगर आपका ज्यादातर पैसा बीमारियों में जा रहा है, बीमारियों में धन खर्च हो रहा है, तो नए चमकदार वस्त्र, ब्राइट कलर के कपड़े, नए कपड़े दान करिए। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव हो रहा है तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करिए। अगर आप वस्त्रों का दान करते रहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा बेहतर रहेगी। निर्धनों को नियमित रूप से वस्त्रों का दान करने से धन का मामला, समृद्धि का मामला हमेशा अच्छा बना रहता है। देखिए, वस्त्र, धातु, अनाज, इनके अलावा भी बहुत सारे दान होते हैं और हो सकते हैं। अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी और चीजों का दान भी जरूर होता है, जैसे सेवा का दान, विद्या का दान, शरीर के अंगों का, शरीर की चीजों का दान भी शामिल है। किसी व्यक्ति की अगर आप सेवा करते हैं या औषधियों का दान करते हैं, तो इससे आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। आप किसी बीमार की सहायता करेंगे, दवाइयों का दान करेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। विद्या का दान करने से संतान संबंधी जो समस्याएं हैं, संतान संबंधी जो बाधाएं हैं, वो दूर होती हैं। शरीर के किसी अंग का दान करने से कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है, या अगर मृत्यु के उपरांत होता है, जैसे नेत्र दान है, अगर आप ये करते हैं तो आपको मुक्ति, मोक्ष मिलता है। रक्त दान अगर आप करते हैं, साल में, महीने में, 6 महीने में एक बार या साल में 2 बार अगर आप रक्त दान करते हैं, तो हर प्रकार की दुर्घटना से और हर प्रकार की शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ऑपरेशन से आपकी रक्षा होती है। तो अलग अलग तरह के दान हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप लोगों को पानी पिलाइए, शीतल जल, गर्मी बहुत है, जल का दान हो गया। आप वृक्षों में पानी डालिए, आप लोगों को पढ़ाइए लिखाइए, लोगों को ज्ञान की बातें बताइए, लोगों की, पशु पक्षियों की सेवा करिए, ये सब एक तरह का दान है। और हर तरह का दान आपके मन को निर्मल करता है, आपके जीवन को पवित्र बना देता है। दान आप देते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो गलतियां मत करिए। दान की सावधानियां क्या हैं, नियम क्या हैं? दान किसी दबाव में मत दीजिए कि पंडित जी ने आज कहा है कि दान करना है, तो मन में कोस करके, मन में अपशब्द बोल के दान दे रहे हैं, कहां फंस गए पंडित जी के चक्कर में। दान कभी ऐसे व्यक्ति को मत दें जो कुपात्र है। आपको पता है कि ये व्यक्ति आपके दिए हुए पैसे से शराब पी लेगा, नशा करेगा, ऐसे व्यक्ति को दान मत दीजिए जो दान का दुरुपयोग करे, जो दान के लिए कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दें वो उत्तम कोटि की हो, यानी जिस क्लास की चीजें आप इस्तेमाल करते हैं उसी क्लास की, उसी कोटि की चीजों का दान करिएगा। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं,
तो आप दान में भी अच्छे कपड़े दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए। घटिया चीज दान करेंगे, अच्छी चीजें खुद इस्तेमाल करेंगे, इस दान का कोई फायदा नहीं है। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है, जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, उसका दान कभी मत करिएगा। जो ग्रह अच्छा होगा उसका दान कर देंगे तो उस ग्रह का प्रभाव जीवन से कम हो जाएगा, फिर आपको फायदा नहीं होगा। तो जो ग्रह कुंडली में महत्वपूर्ण है उसका दान मत करिए। दान देते समय मन में ये भाव लीजिए कि ये वस्तु या सेवा ईश्वर की है और ये सेवा मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। ये वस्तु ईश्वर की है, ईश्वर की दी हुई वस्तु से मैं ईश्वर को ही दान कर रहा हूं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, तुम्हारी ही वस्तु है प्रभु, तुम ही को समर्पित कर रहा हूं। इस भाव से दान करिएगा। ये नहीं कि दान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने दान किया, मैंने इतने रुपए दिए, मैंने इतना कपड़ा दिया। ये अहम भाव से किया हुआ दान सफल नहीं होता। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।